नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर हमला किया है। अमनौर स्थित जयप्रभा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में छुपा कर रखे गए 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस का श्री यादव ने उजागर किया है। उन्होंने कहा कि सांसद मत से खरीदी गई इन एम्बुलेंस को आज छुपा कर रखा गया है, वहीं दूसरी ओर कोरोना से पीड़ित लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। यह जांच का विषय है कि सरकार व सरकार के सांसद अधिकारी आपस में मिलकर कौन खेल खेल रहे हैं। अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। 1 महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते, अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्मुग्धि सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज़्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना 1 हॉस्पिटल को टेकओवर किए, हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है, सरकार खर्च दे या तो फ्री करे कंप्लीट। और हर व्यक्ति के घर में कोरोना की दवाई फ्री पहुंचाए और एम्बुलेंस को फ्री करे। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। मुझे दर्द है मां का, बेटों का और भाई का, हर घर का। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसको राजनीतिकरण मत करिए। जब तक लोकतंत्र को और मानवता को ये सरकार और ये नेता मारते रहेगा सिस्टम, तब तक पप्पू यादव उसकी आवाज और उसको जिंदा रखने के लिए काम करता रहे। ये मेरी जिम्मेदारी और मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी, उस पर कोई बहस नहीं है। और मौत हमारे हाथ में नहीं है जी।